हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बनाने वाला हूँ ड्रोन और यह वीडियो बहुत ही कमाल का वीडियो है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो ड्रोन बनाने के लिए आपके पास ये प्लास्टिक का ढक्कन होना चाहिए। ये देखिए, मैंने पास प्लास्टिक का ढक्कन है और ये हल्का ढक्कन लीजिए दोस्तों। तो चलिए अब हम स्केल और स्केच की मदद से इसमें निशान लगाएंगे कि कहाँ से और कैसे हमें काटना है। तो ये देखिए, हमने चारों तरफ से निशान लगाएंगे। चलिए इधर से भी हम निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए, हमने निशान लगा लिया है चारों तरफ से और अब हम इसे काट के हटा देंगे। चारों तरफ से हम काट के हटा देंगे। तो ये देखिए, हमने काट लिया है और काटते वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो चलिए, अब हमारा ड्रोन का फ्रेम रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें इस मोटर को चिपकाएंगे। तो अगर आपको ये मोटर ख़रीदना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम इस मोटर को इस फेविक्विक की मदद से इस ड्रोन के फ्रेम पे अच्छे से चिपकाएंगे। तो ये देखिए, चलिए अब हम इसे अच्छे से चिपका लेते हैं। मोटर को बहुत ही अच्छे से चिपकाइएगा क्योंकि मोटर गिरे ना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो ये देखिए, अब हमने मोटर को चिपका ही लिया है चारों तरफ से, बस एक बचा हुआ है। ये लीजिए, ये भी हमने चिपका लिया। तो अब हम इस मोटर को और मजबूत बनाने के लिए टेप से भी चिपकाएंगे। तो चलिए अब हम इसे टेप से भी चिपका लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास टेप है दोस्तों, सेलो टेप है, इसी से हम चिपका लेते हैं मोटर को। तो ये देखिए, हमने चिपका लिया है मोटर अच्छे से। और अब चलिए हम पंखी को लगा लेते हैं मोटर में। तो मोटर में पंखी इस तरह से लगाइएगा। ये देखिए, अब सभी पंख मोटर में लगा लीजिए। तो ये हमारा, हमने अपना पंखी लगा लिया है। अब हम करेंगे वायरिंग मोटर का। तो वायरिंग थोड़ा दोस्तों ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, तब ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, हमने आमने सामने के दो सफ़ेद वाले तार को लिए हैं। और दोस्तों इधर के आमने सामने दोनों काले वाले तार एक में हम अब दोस्तों हम इन दोनों को एक में कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव वाला बन जाएगा। और देखिए दोस्तों, एक बार और समझ लीजिए हम कैसे वायरिंग किए हैं। तो दोस्तों, इस मोटर का सफ़ेद वाला तार और इस मोटर का सफ़ेद वाला तार और इस मोटर का दोस्तों काला वाला तार, ये देखिए काला वाला तार और उस मोटर का काला वाला तार मैंने एक में कनेक्ट कर लिया है। और बाकी जो चार तार बचेगा उन सबको हम एक में कनेक्ट कर लेंगे, यानी हमारा प्लस और माइनस दो तार बन गया। अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। तो ये हमने तार कनेक्ट कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसमें एक बड़ा सा तार कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने एक बड़ा सा तार कनेक्ट कर लिया है और ये चारों तरफ से अब हमारा ड्रोन तैयार हो गया है। और चलिए अब हम इसे टेप से अच्छे से चिपका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने टेप से अच्छे से चिपका लिया है चारों तरफ से। और ये देखिए, हमने तार भी लंबा लिया है। ये देखिए, तार भी बहुत लंबा है। तो अब हम ड्रोन को उड़ा के देखेंगे कि हमारा ड्रोन कैसे काम कर रहा है कि नहीं। तो ये दोस्तों, ड्रोन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये बहुत ही मस्त उड़ रहा है। दोस्तों, तार जितना लंबा रहेगा उतना ही अच्छा से उड़ेगा। और तार भी जो दोस्तों भारी मत लीजिएगा, नहीं तो उड़ नहीं पाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ।